आरा शहर के नागरी पिछवाड़ी सभागार में आगामी 13 मई दिन शनिवार को कला की महासंग्राम आरा आइडल 2023 का ग्रैंड फिनाले होने वाला है, जिसकी तैयारियों को लेकर आरा के पकड़े स्थित म्यूजिक एंड आर्ट प्वाइंट में अंतिम रूप प्रदान करने के लिए एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में म्यूजिक एंड आर्ट प्वाइंट के कार्यकारिणी सदस्यों के साथ साथ पदाधिकारी, संगीतकार, निर्णायक मंडल, कार्यक्रम के उद्घोषक एवं नृत्य निर्देशक सहित कला के क्षेत्र से जुड़े बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में आर आइडल 2023 के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विद्याओं की प्रतियोगिताओं के रूप में रेखा को अंतिम रूप प्रदान किया गया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए विभिन्न विभागों पर गहन चर्चा करते हुए सक्षम सदस्यों को उनके विभागों की जिम्मेदारी प्रदान की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी मनुराज एवं आयुष पटेल ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि इस ग्रैंड फिनाले को बेहतर से बेहतर ढंग से किया जाएगा। यह स्थानीय स्तर पर टैलेंट का महासो है, जिसमें सभी प्रतिभागियों एवं उनके अभिभावकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कार्यक्रम अपने समय से शुरू होगा। इस अवसर पर विजय प्रसाद रॉय ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छिपी हुई प्रतिभा निश्चित रूप से बाहर आती है। लगातार 25 वर्षों से म्यूजिक एंड आर्ट प्वाइंट द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है, जो शाहबाद भोजपुर के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर डॉ शंभुनाथ मिश्रा, राजकिशोर पाठक, मंगल ओझा, राजा अविनाश, मनुराज, चंदन कुमार, शेषनाथ प्रसाद, अजय कुमार, संजीव सिन्हा, अजय श्रीवास्तव, राकेश कुमार, गौरव विशाल सिंह, आरजे अभिषेक, आरजे विकास, साजन खान उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए संस्था के निदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश सागर ने विशेष रूप से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों को आरा आइडल 2023 से संबंधित खबरों को प्रमुखता प्रदान करने के लिए उनके प्रति अपना आभार भी प्रकट किया। सबसे पहले तो ये भोजपुर की धरती है और कला के क्षेत्र में काफी अग्रणी रहा है। इसी कड़ी में म्यूजिक एंड आर्ट प्वाइंट, हम सब जानते हैं कि ये 25 वर्षों से संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में एक बेहतर कार्य कर रहा है। यहाँ के बच्चे बच्चियों की भविष्य को कला के क्षेत्र में संवारने का काम कर रहा है। और आज हम लोग आरा आइडल जो होने जा रहा है, इसके लिए इस संस्था को भी धन्यवाद देते हैं। इसके डायरेक्टर वेद प्रकाश सागर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारी तरफ से यह शुभकामना रहेगी कि ये आरा आइडल बहुत उच्च कोटि का हो और जो जितने भी प्रतिभागी यहाँ आ रहे हैं उनको भी आरा की धरती, भोजपुर शाहबाद की धरती, उनको स्वागत के लिए तैयार है। यह एक अविस्मरणीय और सुनहला क्षण होगा कि आरा आइडल में सभी लोग भाग लेकर गौरवशाली महसूस करेंगे। साथ ही पूरे देश में इसका नाम होगा। जो नन्हे मुन्हे बच्चे हैं, सीनियर हों, जूनियर हों, सभी को अपने कला को दिखलाने का मौका मिलेगा। इसलिए यह बहुत ही सौभाग्य का क्षण है और बहुत बहुत फिर से वेद प्रकाश सागर जी को बधाई कि आप, सबसे ज़्यादा तो ये है कि आप, हम देखे हैं कि इस संस्था से हम जुड़े हुए भी रहे हैं, तो यहाँ जो बच्चे बच्चियाँ सीखने आते हैं बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल रहता है, एक अलग ही संस्कार यहाँ मिलता है। निश्चित रूप से सभी लोग अपने बच्चे बच्चियों को सुरक्षित जगह पर भेजना चाहते हैं और यह बहुत ही महफूज जगह है। सबको इज्जत, सबको सम्मान इस संस्था के द्वारा किया जाता है, हमने ऐसा देखा है। इसलिए फिर से बहुत बहुत वेद प्रकाश सागर जी को बधाई, आरा की जनता को, आरा की धरती को प्रणाम करता हूं कि ऐसे क्षण में सब लोग इसका साक्षी बने। चूंकि म्यूजिक एंड आर्ट के द्वारा जो आरा आइडल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में जो भी चीजें होने वाली हैं, जो प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, उस पे आज हम पूरी टीम के साथ चर्चा की गई और गहन बिंदुओं पर अध्ययन किया गया और यह डिसाइड किया गया कि हमारे कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी हैं, चाहे जो भी हमारे इवेंट्स हैं, वो सभी सुचारू ढंग से संचालित किए जाए, कार्यक्रम पूरे ढंग से चले, हमारे अवार्ड्स, हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही सुचारू ढंग से हो और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हो। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में अगर ये सारी चीज़ें ढंग से ऑर्गेनाइज होती हैं तभी हम उस कार्यक्रम का आयोजन सफल मानते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की गई, सभी वॉलेंटियर्स को उनके उनकी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। आखिर क्या वजह है इस तरीके की जिम्मेदारी पर सौंपी, क्योंकि कई बार कार्यक्रम होता है तो त्रुटियां हो जाए, उसको ठीक करने के लिए
जी, हमारा प्रयास हमेशा यही रहा है कि कार्यक्रम के संचालन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, त्रुटि ना हो, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए म्यूजिक एंड आर्ट पॉइंट में आज ये अंतिम चरण की बैठक आयोजित की गई, जहां पर हम सब ने हर छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी इस बैठक के दौरान गहन चर्चा की। आईएएस स्वप्न का रीजन यही रहा कि हर जो भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं वो अपने काम को समझे और उन्हें बस वही करना हो ताकि हम कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और कार्यक्रम हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही सफल हो। सबसे पहले म्यूजिक एंड आर्ट पॉइंट के जितने भी कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी जो भी हैं, इनको हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और इनको बधाई देते हैं कि उन्होंने जिले में इस तरह का कोविड के 2 वर्षों के अंतराल के बाद इसका आयोजन किया है। सभी बड़े उत्साहित हैं, सबका उमंग चरम पर है और 13 तारीख को जो इनका आयोजन होने जा रहा है उसके लिए सब बड़े जोश से लगे हुए हैं और बच्चों का उत्साह तो देखते ही बनता है। उनको इस कार्यक्रम की हम बहुत बहुत बधाई देते हैं ताकि, और ईश्वर से कामना करते हैं कि इनका यह आयोजन निर्विघ्न समाप्त। आज आगामी 13 मई को होने वाले हमारे इस बहुत बड़े कार्यक्रम के को लेकर आज बैठक हुई, जिसमें हमारे दूर दराज से आए संस्था के स्थापित सदस्यों में से, कार्यकारिणी सदस्यों में से श्री विजय प्रसाद राय सर, और भी हमारे डॉक्टर शंभुनाथ मिश्रा सर, श्री मंगल ओझा जी, श्री राजा अविनाश जी, आयुष जी, मनु जी, सारी बैठक में सारे लोग आ जाए थे कि इस कार्यक्रम को कैसे सुंदर से सुंदर ढंग से सबके सामने प्रस्तुति सबकी हो। इसके लिए हम लोगों ने सारे मुद्दों पर बात की और ये फैसला लिया गया कि सबको अलग अलग जिम्मेवारी दी गई। इसके साथ मैं उन तमाम प्रतिभागियों को जो इस प्रतिभाग जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन आगामी 13 मई को करेंगे, उनको मैं तहे दिल से शुभकामना, आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमारे सारे ऑडिशन में अपने बच्चों को स्वयं लेकर आए और बड़े ही उत्साहित होकर लेकर आए, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारे हम आपके चैनल के द्वारा उन बच्चों को, उन अभिभावकों को यह खबर पहुंचाते हैं आपके द्वारा कि जो भी बच्चा हमारे इस प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट हैं, जो भी बच्चे, जो भी प्रतिभागी, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, उनके हाथ में सर्टिफिकेट और कुछ ना कुछ मेडल, मेमेंटोज वगैरह कुछ ना कुछ सारे बच्चों को दिया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो सेकेंडरी मैटर है, वो उनकी प्रतिभा थोड़ी सी किसी की कम रही तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए, थोड़ी सी ज़्यादा रही तो वो ग्रेडिंग में आ गए, लेकिन कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। इस बात को मैं सत्य साबित करके 13 मई को दिखाऊंगा भी। हमारे पूरी कार्यक्रम 13 मई दिन शनिवार को नागरिक प्रचारणी सभागार भवन में होगा। 10:30 बजे से हमने समय दिया है, 11 बजे से हमारा कार्यक्रम है कि हम लोग शुरू कर देंगे, जो 3 से 4 घंटे कम से कम चले। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है, परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, ईटीसी बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहाँ पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय।